दोस्तों, वक्त का तकाजा है कि मुझे मालूम है आप सब घर पे ही होंगे। दौर ऐसा है, हालात ऐसे हैं, गंभीर माहौल चल रहा है। अगर मैं खेल की जबान में आपको बताऊं तो कोरोना को हम हरा सकते हैं। उसका तरीका है कि ये बड़ा शॉट लगाना चाह रहा है और जो क्लोजिंग फील्डर है उसको आप दूर दूर भेज दीजिए, पास पास ना रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। अगर फील्डर आप बाउंड्री लाइन पर जमा देंगे तो कोरोना वहां कैच आउट हो जाएगा। यही दरख्वास्त लीजिए आपसे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, हाइजीन पे ध्यान दें। हाथ कैसे धोना है वो आपको एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग उस पर काम कर रहे हैं। प्लीज नियमों का पालन करें, यही इल्तिजा है। मेरी आपसे दोबारा से दरख्वास्त करता हूँ कि ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। हम इस फाइट में विजयी होंगे और इस बीमारी को जड़ से खत्म करेंगे। ये सारे जो मास्क हैं ये मंगाए गए हैं अबा के नाम से, जो उनका ट्रस्ट चलता है महमूद खान पठान, और ये जाएंगे हेल्थ डिपार्टमेंट को और वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ज़रूरतमंदों को। खान साहब बताएंगे इसके बारे में आगे। अभी मास्क आया और ये बड़ोड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कुछ जाएंगे, कुछ पुलिस के लिए जाएंगे, और जहाँ जहाँ पे भी लोग हमारी साफ सफाई के लिए काम करते हैं, हमारी सिक्योरिटी के लिए काम करके, उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फिर काही अंदाज लागतोय का तुम्हाला? सध्याच्या घडीला रक्ताचा प्रचंड तुटवडा आहे, पेशंट्स खूप आहेत, परंतु रक्त हे अभावानेच लोक डोनेट करत आहेत, आणि अशा वेळेला कोण पुढे आलंय आपण जरा बघूया। वाव केदार, काय आज एकदम हा रक्तदानासाठी तू बाहेर आलेला आहेस एकदम। छोटी अशी गोष्ट आहे, प्रत्येकाने जसं जमेल तसं नक्कीच करावं। आरोग्यमंत्री राजेश टोपेजी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजी यांच्यासोबत त्यांनी एवढंच सजेशन दिलं की जेवढं होऊ शकेल तेवढं तू आणि तुझ्या माध्यमांद्वारे जेवढं रक्तदान करता येईल तेवढं जास्तीत जास्त फायदा आहे, कारण त्याची खूप गरज लागणार आहे येणाऱ्या काळात। सर्व म्हणून ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे समाजाच्या दृष्टीने। आज जे संकट आपल्या पूर्ण मानव जातीवर आलं त्याच्यासाठी आपण प्रत्येकाने आपल्यापर्यंत जे काय होईल ते मला सो हे माझं छोटंसं पाऊल आहे। कोविड-19 ची परिस्थिती सगळ्या जगभर पसरलेली आहे, आपल्याला सगळ्यांना त्याच्याविषयी अतिशय भीती मनामध्ये आहे, पण ही भीती मनात बाळगून आपल्याला चालणार नाही आहे, कारण आपल्याला बाकीचे पेशंट्स जे रुग्ण ज्यांना सतत रक्ताची गरज लागते तिथं हा रक्ताचा तुटवडा दिवसेंदिवस जाणवू लागलेला आहे। तर आम्ही काल केदार जाधवना विनंती केली, तर सर्वांनी पुढे जर आलं तर हा रक्ताचा तुटवडा आपल्याला कधीही भासणार नाही, आणि जे पेशंट जे रुग्ण सध्या ऍडमिट आहेत ज्यांना ही गरज लागते त्या सर्वांची ही जर गरज भागली गेली तर आपल्याला कुठेही हात पसरायला लागणार नाही। तर अशा सर्व रक्तदात्यांनी हे उदाहरण समोर ठेवावं, प्रत्येकाची ही जबाबदारी आहे जसं मॅडमनी आत्ता सांगितलंय। आणि ही जी व्यक्ती आहे केदार जाधव माझा मित्र, त्यांनी तर आज कमाल केली आहे, कारण तुम्हाला माहिती आहे आज खास दिवस आहे मित्रांनो मैत्रिणींनो, त्यामुळे आपण केदारसाठी काय करू शकतो। हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डियर केदार, हॅपी बर्थडे टू यू। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और एक छोटी सी कोशिश जो इस कोरोना वायरस को रोकने में काफी हद तक मदद करेगी। सो हैंड वॉश का जो तरीका बताया गया है, 20 सेकंड का जो तरीका बताया गया है कि आप अच्छे से अपने हाथ धोएं, तो आइए हम अपने अपने हाथ साफ करते हैं, हाथ अच्छे से क्लीन करते हैं, जो हमारे इस कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता है। तो इतना सोप लें, इतना जो कि आपके हाथों को अच्छे से साफ कर सके, अपने जो आपके जो हाथ के जो एरियाज हैं उनको अच्छे से आप साफ कर सकें, रगड़ सकें, क्योंकि ये आपके नाखूनस में भी हो सकता है, आपके नेल्स के अंदर जो हो सकता है। तो आप अच्छे से 20 सेकंड अपने हाथ को रगड़ें, अच्छे से क्लीन कर लें दोनों साइड से, और आपको अपना पानी भी सेव करना है, वाटर सेव करना है हमें अपना। सो अच्छे से क्लीन कर टैप को ऑन करें,
और हो सके जितना हो सके पानी भी सेव करें और अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करें। सो दोस्तों आइए हम एक साथ चलने की कसम खाते हैं, इस वायरस को खत्म करने की कसम खाते हैं, क्योंकि ये एक जानलेवा बीमारी है जो हमें और हमारी फैमिली और हमारे आसपास के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, उनकी जान ले सकती है। तो सो प्लीज़ कम टुगेदर और एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे, डोंट पैनिक। बस कोशिश करिए कि अपने आप को साफ रखें, अपने आसपास साफ रखें, जो चीज़ आप यूज़ करते हैं आप उनको साफ रखें। तो कोशिश करिए कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे और डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और मुंह को हमेशा कवर करके रखेंगे, बार बार हाथ धोएंगे। तो प्लीज़ कम टुगेदर। हेलो एवरीवन, रोहित शर्मा हियर। आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स। लास्ट फ्यू वीक्स हैव बीन टफ टाइम्स फॉर ऑल ऑफ अस एंड द वर्ल्ड हैज कम टू स्टैंड स्टिल, व्हिच इज वेरी वेरी सैड टू सी। एंड द ओनली वे वी कैन गेट बैक टू नॉर्मल इज बाय ऑल ऑफ अस कमिंग टुगेदर। एंड हाउ वी कैन डू दैट इज बाय बीइंग लिटिल स्मार्ट, लिटिल प्रोएक्टिव, नोइंग आवर सराउंडिंग्स, एंड एज एंड व्हेन यू गेट एनी सिम्टम्स, इन्फॉर्मिंग योर नियरेस्ट मेडिकल अथॉरिटीज। Because we all want the kids to go to the school, we all want to go to the malls, we all want to watch movies in the theaters, and I appreciate the effort of the doctors and the nurses around the world who have put their life at risk while taking care of the people who have tested positive. Last but not the least, my heart goes out to the people who have lost their life and their families. Take care and be safe. Namaste. Hamari sarkar mein और दुनिया भर की हेल्थ एक्सपर्ट्स ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम घर पर रहें और जब तक कोई इमरजेंसी ना हो हम बाहर ना जाएं। लेकिन फिर भी कई लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे। मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं जहां लोग अभी भी बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। सबको लगता है हम बाहर जाएं, दोस्तों से मिलें, उनके साथ गेम्स खेलें, लेकिन अभी ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। याद रखिए, ये दिन छुट्टियों के दिन नहीं है। कोरोना वायरस अगर आग है तो इसे फैलाने वाली हवा हम हैं। इस वायरस को रोकने का एक ही तरीका है कि हम सब अपने घरों में रहें। डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल स्टाफ जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं और उनकी कही हुई बातों को मान सकते हैं। मैं और मेरा परिवार 10 दिनों से हमारे दोस्तों को नहीं मिले हैं और अगले 21 दिन तक भी नहीं मिलेंगे। इसे एक मौका समझे अपने फैमिली के साथ वक्त बिताने का। आप अपने आप को, हमारे समाज को, हमारे देश को और सारी दुनिया को इस वायरस से बचा सकते हैं सिर्फ अपने अपने घरों में रहकर। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जनता कर्फ्यू में आपने बढ़ चढ़कर भाग लिया, बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन अभी भी एहतियात बरतें क्योंकि एक दिन में ये कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होने वाला है। घरों में रहें, पब्लिक गैदरिंग बिल्कुल ना करें, ना किसी को बुलाएं, ना किसी के पास जाएं, क्योंकि जितना एहतियात आप बरतोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए और दूसरों के लिए। हाथ ना मिलाएं किसी से। इस दौरान जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो स्टूडेंट्स का हुआ है, क्योंकि सारे कॉलेजेस, सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज सब बंद हैं, तो उनमें एक एग्जाइटी सी आ गई है बच्चों में। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अन अकेडमी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। क्या इनिशिएटिव है ये अन अकेडमी का, कि उन्होंने 20,000 फ्री लाइव क्लासेस का अनाउंसमेंट किया है कि आप उनके ऐप पर जाइए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी पढ़ाई करनी हो आपको, फ्री लाइव क्लासेस हैं आपके लिए, आप अपनी पढ़ाई नहीं मिस करेंगे, स्पेशली इस मार्च और अप्रैल के बीच, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी स्कूल, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहे फ्री क्लासेस के लिए, लाइव फ्री क्लासेस के लिए, तो वो कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने देखा है खुद के बच्चों में, मेरे बच्चों में थोड़ी एंग्जाइटी थी उनको, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे थे। मैं यही चाहूँगा कि मैं और आप मिलकर उन सभी पेरेंट्स, बच्चों और टीचर्स को ये ज़्यादा से ज़्यादा बताएं
कि अन अकेडमी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि 20,000 फ्री लाइव क्लासेस मार्च और अप्रैल में चलेंगी, तो आप उनका फायदा उठा सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। घर में रहें, अच्छे से रहें। कल 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने जो जनता कर्फ्यू की अपील करी है, मैं इसका खुले दिल से समर्थन करता हूं और अपील करता हूं सभी देशवासियों से कि इसमें अपना सहयोग दीजिए। हम सब मिलकर ही इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। कल शाम 5 बजे आप बैल्कनीज में आइए, घंटी बजाइए, ताली बजाइए और उन सभी लोगों का उत्साह बढ़ाइए जो हम सब के लिए इस वायरस से दिन रात लड़ रहे हैं। इसको आप जनता कर्फ्यू के नज़रिए से मत देखिए, इसको आप केयर फॉर यू के नज़रिए से देखिए। ये सिर्फ जनता कर्फ्यू ही नहीं है, ये केयर फॉर यू एक इनिशिएटिव है। अगर एक चीज़ और आपसे अपील करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और बहुत ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर जाइए, नहीं तो आप घर पर रहिए। यही एक तरीका है कि हम इस वायरस को अपने देश से भगा सकते हैं और अपने देश को एक स्वस्थ देश बना सकते हैं। आप सभी लोगों का समर्थन की बहुत ज़रूरत होगी, इसका दिल से धन्यवाद। जय हिंद। हाय गाइस, होप आप सब अपना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और घर पर रह रहे हैं। पर एक छोटी सी और दिक्कत आ गई है कि जितने भी जानवर जो बाहर, जैसे कबूतर हो गए, पंछी हो गए, डॉग हो गए, कैट हो गए, वो हम सब पे बड़ा डिपेंड करते थे जब नॉर्मल लाइफ चल रही थी, क्योंकि हम सब बाहर जाते थे, खाना खाते थे या कुछ भी खाना होता तो बंदा जानवर देखता था तो खाना दे देता था। अब क्या है, कोई भी बाहर नहीं जा रहा तो उनको खाना नहीं मिल रहा और स्ट्रगल हो रही है। तो मेरी बस आप सबसे एक यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके घर खाना बने तो थोड़ा एक्स्ट्रा बनवाएं और बाहर जानवरों के लिए रखें प्लीज़, ताकि उनको जितना खाना चाहिए वो मिल सके। और ये एक हमारे पास मौका है कि हम जानवरों की जान बचा सकते हैं, उनके काम आ सकते हैं तो, और नेचर को वापस कुछ दे सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे दिल से विनती है कि ज़रूर इस काम में आगे बढ़ें और इस बात को जितना आगे फैला सकें फैलाएं, ताकि सबको अवेयरनेस हो और जितना हम उन जानवरों के लिए कर सकते हैं, पंछियों के लिए कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें एंड एंजॉय योरसेल्फ।